जिले में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम की लापरवाही की वजह से नागरिक आवारा पशुओं का शिकार बन रहे हैं और जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। 25 अगस्त को सुहागी पेट्रोल पंप के पास में रहने वाले विकास केवट नामक व्यक्ति को आवारा बैल ने पीछे से टक्कर मारकर लहूलुहान कर दिया था। केवट परिवार ने विकास को पहले जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया और उसके बाद इलाज के लिए वह उसे नागपुर लेकर गए थे। वहां भी उसका इलाज न हो सका। परिजनों ने विकास को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ बैल की टक्कर से अधमरे हो चुके विकास ने दम तोड़ दिया। हमारे भैया जो है, बड़े भाई जो हमारे खड़े थे रोड पे, मेन रोड पे, तो आवारा जो पशु बैल वगैरह रहते हैं उनने पीछे से आगे इनको बहुत जोर से टक्कर मारी सर, बहुत ऊपर उछकाया और वो फिर नीचे गिरे हैं, तो गर्दन के बल जो गिरे हैं उससे बहुत उनको नुकसान हुआ शरीर में, तो उस वजह से इनका कल मेडिकल में हम लोग लेके आए हुए थे, उनको भर्ती किया था, तो यहाँ से फिर हम लोगों को ये दिक्कत। ये 25 तारीख है सर। 25 को घटना हुई, हाँ शाम को 5:30-6 बजे का। कहाँ ले गए थे आप ये? हम लोग पहले लाए हैं सर यहाँ उखरी गैलेक्सी हॉस्पिटल। वहाँ हम लोग को समझ में आया नहीं आराम, फिर हम लोग नागपुर लेके गए सर। नागपुर से भी हम लोग 2 दिन पहले लेके आए, तो मेडिकल में रखा। कल हुए हैं सर 4 बजे। नाम क्या? विकास केवट। आपका नाम? जी मैं विनय और ये छोटे भाई विनीत केवट। हम विनीत केवट निवास कहाँ करें? सोहागी पेट्रोल पंप के पास बीकल मोड। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वाथरी की रिपोर्ट।